So hello guys, once again welcome back. So friends, today we will make homemade tuition kit and सबसे पहले हम बनाएंगे DIY book. तो चलिए बनाते हैं. सो फ्रेंड्स, मैंने एक डॉल परचेज़ की थी, तो ये डॉल उसी बॉक्स में थी, तो ये बॉक्स अब वेस्ट है. तो चलिए इसी से हम बनाएंगे लॉन्ग बुक. तो देखिए, इसके साइड का जो पार्ट है हम इसे ये कट कर देंगे एंड इसी में फिर मैं चार्ट पेपर स्टिक करके मैं एक लॉन्ग बुक बनाने वाली हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सी. तो चलिए बनाते हैं. एंड फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी DIY स्कूल किट की वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो. तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था ना, आपको बहुत पसंद आई थी वो वीडियो, तो इसीलिए आप लोगों की डिमांड पे आज ट्यूशन किट की वीडियो आई है. तो होप कि आपको पसंद आएगा. अगर पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना. तो देखिए फ्रेंड्स, ये बॉक्स ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड इस पर ब्यूटीफुल लिखा भी है. तो हमको इसको कवर करने की मतलब कवर भी नहीं करना पड़ेगा हमें इसे, जस्ट मुझे कुछ पेपर्स इसमें स्टिक करना रहेगा एंड फिर हमारी लॉन्ग बुक रेडी हो जाएगी. तो चलिए फटाफट से मैं इसके एजेस को ट्रिम कर देती हूँ. तो देखिए, मैंने इसके सारे ही एजेस को ट्रिम कर दी हूँ एंड अब मैं लूँगी यहाँ पर चार्ट पेपर. ये चार्ट पेपर ले रही हूँ जो कि ग्रीन कलर का है. तो अब मैं इसके साइज़ के कुछ पेपर्स कट कर लेती हूँ. तो देखिए, मैंने यहाँ पर कई सारे पेपर्स कट कर लिए हैं एंड अब इसे मैं 1-to-1 एक दूसरे के पास स्टिक करते जाऊँगी. तो हमको एक नोटबुक जैसे मतलब एक नोटबुक का पेपर जो रहता है वो अच्छे से मिल जाएगा. तो देखिए यहाँ पर मैंने कितने 1, 2, 3 पेपर्स हो गए, ये है फोर्थ पेपर. तो जिसमें सिंपल ग्लू से स्टिक कर रही हूँ एंड ये अच्छा स्टिक हो जाएगा. तो देखिए 5-6 पेजेस हैं इसमें, तो डबल हो जाएंगे यानी 12 पेजेस की बुक रहेगी. तो जैसे ऐसे बना रही हूँ मैं सैम्पल में, अगर आपको बड़ी बुक बनाना है तो आप बड़ी बुक भी बना सकते हो. तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे पेजेस स्टिक हो चुके हैं एंड अब मैं इसके कवर पर भी ग्लू लगा कर इसे स्टिक कर देती हूँ. तो देखिए, बहुत ईजीली मैंने इसे बाइंड कर दी हूँ एंड ये बुक बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई. तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बुक और बिल्कुल अब रेडी है. तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितनी इजीली मैंने इसे बना भी दिया. तो ज़रूर से आप भी ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा एंड आपकी बहुत काम की चीज़ रहेगी एंड आपको काम आएगी स्कूल ट्यूशन वगैरह में. तो चलिए, ये फर्स्ट DIY तो रेडी है, अब बनाते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट हम बनाएंगे DIY मिनी राइटिंग पैड, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है. तो देखिए, मेरे पास ऑलरेडी ये मिनी पैड है, तो बहुत सा रिक्वेस्ट थी कि मैं राइटिंग पैड बनाऊँ, मिनी राइटिंग पैड. तो आज मैं इसी को देख के रिक्रिएट करूँगी एंड एक होम मेड राइटिंग पैड बनाऊँगी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए. तो देखिए, मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड ली हूँ एंड अपने जो मिनी राइटिंग पैड के एकदम साइज़ का इसे कट कर ली हूँ. तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे कट कर ली हूँ. आप 10 सेंटीमीटर टू 10 या फिर यहाँ से आप ले लोगे 7 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर भी लोगे तो अच्छा खासा बन जाएगा, या फिर उससे बड़ा बनाना है तो उससे बड़ा भी बना सकते हो. तो चलिए, मैं इसे कवर कर देती हूँ ग्रीन पेपर से एंड इसे मैं डबल साइडेड टेप से 4 कॉर्नर्स पर स्टिक कर देती हूँ. तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे स्टिक कर दी हूँ एंड ये ऑलमोस्ट रेडी है. एंड अब इसके होल्डर के लिए मैं यहाँ पर बिंडर क्लिप यूज़ कर रही हूँ. जो राइटिंग पैड के ऊपर होल्डर होता है तो उसके लिए हम बिंडर क्लिप यूज़ करेंगे. तो देखिए, आपको जस्ट 2 बिंडर क्लिप्स लेना है एंड इसे डबल फोल्ड नहीं करना, जस्ट आपको इस तरीके से लगा देना है बिना खोले, जस्ट इस तरीके से आपको प्लेस कर देना है जैसे मैं लगा रही हूँ. तो देखिए, ये हमारे मिनी राइटिंग पैड की तरह ही बिल्कुल बन चुका है एंड आप चाहो तो इसे सील भी कर सकते हो ग्लू से. मैं फ़िलहाल इसे सील नहीं कर रही हूँ. अगर आपको सील करना है तो आप जस्ट ग्लू से इसे स्टिक भी कर सकते हो, हॉट ग्लू या फिर वेट्रा से. तो देखिए, इस तरीके से आप पेपर प्लेस करोगे एंड ये कितने अच्छे से ये होल्ड हो गया, जैसे ये मिनी राइटिंग पैड एकदम रियल वैसी बन गया है. तो देखिए, दोनों ही सेम वर्क कर रहा है. ये मेरा रियल वाला है, ये होममेड है. तो आप बिंडर क्लिप को चाहे तो आप स्टिक भी कर सकते हो. मैंने स्टिक भी नहीं किया लेकिन ये अच्छे से होल्ड किया है पेपर को. तो इस तरीके से आप अपना एक मतलब बिग साइज़ का पैड भी बना सकते हो. तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट. एंड नेक्स्ट बनाएंगे हम DIY पेंसिल बॉक्स. ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी इसलिए मैंने सोची इसे ट्यूशन किट में मैं ऐड कर लेती हूँ. तो देखिए, ये है ओल्ड वेडिंग कार्ड एंड ये बहुत ही ओल्ड कार्ड है. मेरी एल्डर सिस्टर का कार्ड है ये वेडिंग कार्ड, तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है. तो चलिए, इसे आज रीयूज़ करेंगे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंसिल बॉक्स बनाएंगे. तो चलिए, मैं देखिए यहाँ जो प्लेन पेपर है ना, फ्रंट साइड तो सब प्रिंटेड है, लिखा हुआ है, तो जस्ट मैं बैक साइड से एक प्लेन शीट यहाँ से कट करूँगी एंड इसी से हम बनाएंगे पेंसिल बॉक्स. तो चलिए फटाफट से मैं इसे कट कर लेती हूँ. तो देखिए, मैंने इसे कट कर ली हूँ एंड अब इस पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है जैसे मैंने यहाँ पर की हूँ. 4 कॉर्नर्स पर लाइन खींचना है आपको. तो देखिए, अब आपको पूरा कट नहीं करना, जस्ट यहाँ से देखिए ये वाला जो फ्रंट साइड लाइन है ना, उसे जस्ट थोड़ा थोड़ा सा कट करना है जहाँ तक हमने मार्क किया है.
एंड अब इसी जो लाइन में हमने ड्रॉ किया था उसी पे आपको फोल्ड कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड करने के लिए आप सीजर से इसे यहाँ पर मार्क कर सकते हो तो इजीली फोल्ड हो जाएगा। बिकॉज़ ये कार्ड पेपर रहता है, जो वेडिंग कार्ड होता है उसका जो कार्ड होता है वो कार्ड पेपर होता है, तो वो हार्ड रहता है, पेपर नहीं होता। तो इसे फोल्ड करने के लिए आपको सीजर की हेल्प लगेगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर जस्ट ड्रॉ कर रही हूँ सीजर से, तो ईजीली फोल्ड हो जा रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। अब जो ये हमने स्मॉल सा यहाँ पर स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको डबल साइडेड टेप से इसे फोर कॉर्नर्स पर स्टिक कर देना है, तो ये बॉक्स का शेप इसे रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से, तो चलिए मैं आप डबल साइडेड टेप से इसे स्टिक कर देती हूँ। देखिए फोर कॉर्नर्स पर डबल साइडेड टेप लगाना है आपको, या फिर आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर टेप यूज़ करी बिकॉज़ ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा एंड जल्दी से स्टिक हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्या देखना है मुझे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, जैसे कि आपने ये किट के बारे में बताया था। एंड मतलब स्कूल किट आपको इतनी ज़्यादा पसंद आई तो स्कूल से ही रिलेटेड आपको कुछ DIY देखना है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो देखिए चलिए मैं इसे स्टिक कर देती हूँ। एंड मैंने इसे स्टिक कर लिया है, ये रेक्टेंगल बॉक्स की तरह बन गया। तो हमारा पेंसिल बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी है, तो चलिए अब इसका कवर बनाते हैं। एंड कवर बनाने के लिए मैं यहाँ पर ब्लू पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको मार्किंग करना है एंड फिर हम इसे फोल्ड करके एक मतलब इसका पेंसिल बॉक्स का कवर बनाएंगे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल पेंसिल बॉक्स रेडी होने वाला है एंड बहुत ही इजीली बन भी जाएगा, तो ज़रूर से आप ट्राई करना। देखिए कुछ इस तरीके से आपको मार्क करना है एंड इसके जो साइड ये जो पट्टी है उसका भी आपको मार्किंग करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्क कर ली हूँ एंड इसे कट भी कर ली हूँ, तो चलिए अब मैं फ़ोल्ड करती हूँ इसे। तो देखिए यहाँ पर भी मैं सीजर की हेल्प से इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है एंड फिर हमारा पेंसिल बॉक्स रेडी हो जाएगा। तो इतना इजीली बन गया, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा ये वाला ट्रिक पेंसिल बॉक्स बनाने का। तो आप भी ज़रूर से बनाना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है एंड बहुत यूज़फुल चीज़ है, उसमें आप अपनी सारी स्टेशनरीज वगैरह रख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब मैं जो इसके एंड पर हमने कुछ एक यहाँ पर स्ट्रिप छोड़ा था उसी पे हमको डबल साइडेड टेप लगाकर स्टिक करना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक क्यूट सा इमोटिकॉन्स ड्रॉ कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे हार्डवर्क के लिए एक लाइक ज़रूर से कर देना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना। बहुत मेहनत लगी इतनी सारी DIY वीडियो बनाने के लिए, मतलब इतने सारे इसमें DIY क्रिएशंस है, सबको मैंने एक किट में मिक्स करके आप लोगों के डिमांड पे लेके आई हूँ। तो इस तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ बहुत सारी आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। इन फ्यूचर बहुत ही अमेजिंग से वीडियोज़ आने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्यूट सी ड्राइंग कर ली हूँ एंड अब पेपर को जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ यहाँ पर फोल्ड करके जो लास्ट स्ट्रिप है उस पर आपको टेप या फिर ग्लू आप कुछ भी लगा के इसे स्टिक कर दो। तो चलिए मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप से इसे स्टिक कर देती हूँ, तो हमारा बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमारा बॉक्स बिल्कुल रेडी है एंड ये कितना क्यूट सा लग रहा है बनने के बाद, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए मैं इसमें अपनी सारी जो पेंसिल पेन या फिर जो भी चीज़ें मैं इसमें रख लेती हूँ। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी अपना पेंसिल बॉक्स बनाना एंड अगर आप बनाओगे ट्राई करोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट करके टैग भी कर सकते हो या फिर आप मुझे DM करके अपना क्रिएशन बता भी सकते हो। तो मेरी इंस्टाग्राम की ID है @TwinTechOfficial एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके भी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आपको इंस्टाग्राम पर भी वीडियोज़ चाहिए शॉर्ट क्राफ्ट की तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, जब तक आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मेरी ID है @TwinTechOfficial। तो बॉक्स तो बिल्कुल रेडी है, तो चलिए बनाते हैं अब नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट मैं बनाऊंगी DIY मिनी बुक। तो ये मिनी बुक हम बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर पेपर ली हूँ, जैसे इस तरीके से आपको फोल्ड करना है एंड बहुत सारे पेपर्स यहाँ पर कट कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 पेपर्स ली हुए एंड 8 पेजेस की बुक बनेगी। तो मिनी बुक मैं बना रही हूँ, कुछ नोट्स वगैरह हमको नोट डाउन करनी होती है, होमवर्क या फिर कुछ भी नोटिस वगैरह, तो इस तरीके से आप ये मिनी बुक में नोट कर सकते हो। तो यही बॉक्स देखिए जिसको हमने फर्स्ट लॉन्ग बुक में यूज़ किया था, उसी के मैं एजेस को कट करके यहाँ पर ये नोटबुक बनाऊँगी, मिनी नोटबुक। तो आज एक बॉक्स से हमने कितने सारी चीज़ें बनाई है, तो आप भी आपके पास बहुत सारे वेस्ट बॉक्स होंगे तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर देखिए ये फोल्डेड है यहाँ पर ऑलरेडी, तो इधर ही पर मैं यहाँ पर ग्लू लगा के इसे स्टिक कर देती हूँ या फिर आप टेप भी यूज़ कर सकते हो।
तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बुक बनाना है। देखिए मिनी बुक, एंड ये बॉक्स भी ब्यूटीफुल सा है तो इसे भी हमको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बॉक्स, ये बुक भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। तो उससे पहले मैं ये जो पेपर है उसे बाइंड कर देती हूँ, एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डक्ट टेप। तो डक्ट टेप से मैं इसके एजेस को यहाँ पर सील कर दूँगी। तो मैं पिन लगा कर मैंने इसे टाइट कर ली हूँ ताकि ये अच्छे से स्टिक हो पाए। तो चलिए डक्ट टेप से अभी से बुक को बाइंड कर देते हैं, एंड फिर हम वो पेपर जो बॉक्स है उसमें इसे स्टिक कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको टेप से इसे सील करना है। अगर आपके पास डक्ट टेप नहीं है तो आप सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी अच्छा हो जाएगा। या फिर कोई भी और स्ट्रॉन्ग टेप होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक टेप होगा तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर स्टिक कर चुकी हूँ। तो चलिए पिन को रिमूव कर देते हैं, ये बुक तो बिल्कुल रेडी हो गई। तो चलिए अब मैं इसे जो बॉक्स का जो हमने कार्ड पेपर निकाला था उसे भी हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो इसके भी फोर कॉर्नर्स पे मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी हूँ। तो देखिए कितनी इजीली हमारी बुक बन रही है। तो आप भी ज़रूर से अपनी DIY मिनी बुक बनाना। आपको कुछ भी नोटिस या फिर फ़ोन नंबर जो भी आपको नोट डाउन करना है, या फिर कुछ रिमाइंडर एग्ज़ाम वगैरह के, तो आप रिमाइंड इसमें नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिए क्यूट सी मिनी बुक रेडी है। तो देखिए कार्ड पेपर पे इसी बॉक्स जो वेस्ट बॉक्स पे एक ब्यूटीफुल सी डॉल यहाँ पर बनी हुई थी, तो उसे भी मैंने कट करके यहाँ पर स्टिक कर देती हूँ। तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेगी हमारी मिनी बुक। तो देखिए इस तरीके से मैंने बॉक्स पे जो डॉल थी उसे भी यहाँ पर स्टिक कर दी हूँ कट करके। तो ये बुक तो बिल्कुल रेडी है ना, और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग गई। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी नोट्स जो भी आपको रिमाइंड करना है रिमाइंड कर देना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो अब बनाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ DIY प्लानर। तो चलिए बनाते हैं उससे। आपको एक इस तरीके से पेपर कट करना है कोई भी शेप का, एंड सबसे पहले मैं बनाऊँगी टू डू लिस्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपको जो भी मतलब वर्क पेंडिंग है जो आपको करना है तो आप यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो देखिए ये टू डू लिस्ट रेडी है, एंड अब मैं बनाऊँगी नेक्स्ट, ये है वीकली प्लानर। तो ये तो आप ज़रूर से ट्राई करना, आपके बहुत काम की चीज़ है, एंड मतलब ट्यूशन में स्कूल में आपको बहुत काम आएगा, कुछ भी चीज़ें लाइफ प्लानिंग है जो भी है। तो देखिए वीकली प्लानर भी रेडी है, एंड ये है सेमेस्टर प्लानर। आप अपने एग्ज़ाम के यहाँ पर सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं बना रही हूँ होमवर्क रिमाइंडर। आपके जो भी होमवर्क है आपको भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर रिमाइंडर लगा सकते हो इस पेज पर। तो देखिए ये फोर पेजेस रेडी हैं, एंड ये प्लानर भी हमारा रेडी है। तो चलिए अब मैं इसे पेपर पिन से सील कर दूँगी। तो चलिए अब मैं इसे पेपर पिन से सील कर देती हूँ। तो ये है पेपर पिन। तो देखिए जस्ट ऊपर की तरफ आपको इसे यहाँ पर प्लेस करना है, एंड ये रेडी हो गया हमारा DIY प्लानर, वीकली प्लानर, होमवर्क रिमाइंडर, टू डू लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें, सेमेस्टर प्लानर। आप और भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको ऐड करना है तो आप और भी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। तो देखिए अब मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। ये हमारा प्लानर, मिनी बुक, ये है पेंसिल बॉक्स। तो आपने एक चीज़ गौर किया, आज हमने सारी ही चीज़ें होममेड इसमें ऐड की है किट में, कुछ भी मैंने इसमें रेडीमेड नहीं ऐड किया, ये सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर। बिकॉज़ बहुत लोग बोलते हैं कि आप किट में बहुत सारी चीज़ें जो ऐड करते हो, तो चलिए अब मैं यहाँ पर किट बना रही हूँ, बॉक्स में मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे लोग आप लोग बोलते थे कि मैं किट में ना सब रेडीमेड चीज़ें ऐड करती हूँ, एंड उतनी चीज़ें आपके पास नहीं होती तो आप लोग किट फिर बना नहीं पाते हो। तो इस तरीके से आज मैंने सारी ही चीज़ें आप लोगों की डिमांड पर सिर्फ सारी चीज़ें होममेड बनाई हूँ, कुछ भी इसमें रेडीमेड मैंने ऐड नहीं की हूँ। पेंसिल बॉक्स से लेके प्लानर सब कुछ ये होममेड है, बुक होममेड है। तो कैसा लगा ये आज का DIY, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। इन फ्यूचर में और अच्छी अच्छी प्योर होममेड किट, सारी ही होममेड किट बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, एंड इस तरीके से आप कोई भी आपका सजेशन रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। कुछ हेट नहीं है इसमें, आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती तो मुझे बता देना। जैसे आपको मैं रेडीमेड चीज़ ऐड करती थी तो आपको अच्छा नहीं लगता था, तो आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, तो फिर मैंने अब होममेड बनाने लगी हूँ सारी चीज़ें। तो आप जो भी रहेगा आपको मुझे नीचे कमेंट करके बता दिया करो। तो देखिए होममेड ट्यूशन किट, एंड मैं क्यूट सा अपना कवाई स्टिकर यहाँ पर स्टिक कर दी हूँ। कवाई स्टिकर की वीडियो तो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाके चेक कर लेना कि होममेड क्यूट कवाई स्टिकर की वीडियो आपको मिल जाएगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी होममेड ट्यूशन किट बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा, इसमें सारी चीज़ें होममेड हैं, तो मतलब कुछ भी चीज़ें रेडीमेड नहीं है। मिनी राइटिंग पैड भी हमने बना लिया, मिनी बुक भी बनाया हमने इसमें, पेंसिल बॉक्स एंड लॉन्ग बुक। तो सारी जो ट्यूशन में जो भी चीज़ें हमको लगती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो कैसी लगी अमेजिंग सी वीडियो, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।